अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शहर यार खान है और मैं अपने चैनल नायल 360 से इस वक्त आप लोगों के साथ गुप्तगु कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल है आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा आज की मेरी वीडियो जो है वो बेसिकली है कि हम जो हमारे वी लॉगिंग की जो वीडियोस हैं जो हम मोबाइल्स के साथ बेसिकली बना रहे होते हैं उसमें वो फील वो सिनेमैटिक लुक किस तरह से लेकर आ सकते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वीडियोस बना रहे होते हैं लेकिन उनकी मोबाइल्स में वो लुक नहीं आ रही होती वो कलर फील नहीं आ रही होती ख़ास तौर तो पे विदाउट जो पोस्ट प्रोडक्शन के जो यानी एक पूरा जो प्रोसीजर है उसमें जाए बगैर जो रॉ उनकी स्टॉक फुटेज निकलती है उसकी वो फील नहीं होती और जाहिर बात है हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं करते कि वो एक पूरा सिस्टम लें और उसके ऊपर फिर बैठें और उसके ऊपर बैठ के अपनी कलर ग्रेडिंग करें और उसके बाद अपनी वीडियो जो है वो पोस्ट करें ज़्यादातर हमारे दोस्त जैसे कि मैं बाइकर हूँ और टूरिस्ट भी हूँ इसी तरह मेरे बाकी जो हल्का अहबाब है वो बाइक्स पर निकलते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं तो उन सब का एक क्वेश्चन होता है कि हमारी वीडियो में वो फील नहीं आती जो जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोस में आती है जो कलर के अंदर एक जो एक मूड होता है जो एक खूबसूरती होती है वो हमें नज़र क्यों नहीं आती उसका क्या टोटका है वो आखिर क्या करते हैं यानी अपार्ट फ्रॉम कलर ग्रेडिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन उसके ऊपर मैं आज आपको जो उसके सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने लगाऊँ पहला सीक्रेट ये अगर आपके मोबाइल के ऊपर अंदर um, एक प्राइमरी लेंस है और साथ में एक वाइड एंगल्स लेंस भी है आपने वो वाइड एंगल लेंस यूज नहीं करना फर्स्ट सीक्रेट है आपने हमेशा अपने कैमरे का प्राइमरी लेंस जो है वही यूटिलाइज करना है नंबर टू आपने मार्केट से आफ्टर मार्केट वाइड लेंसेज़ होते हैं वो परचेज करना है वो फिट करना है नंबर थ्री आपने प्लेरिटी फिल्टर एक होता है और उसमें दो तरह के आते हैं सी पी एल होता है सर्कुलर प्लेरिटी फ़िल्टर और एक सिंपल पी एल होता है पलेरिटी फिल्टर सर्कुलर पलरिटी फिल्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसको घुमाते हैं उसके सर्कल को रोटेट करते हैं उसकी पलेरिटी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो लिहाजा वो मैनुअली आपके अपने हाथ में होता है आप जैसे चाहें उसकी पलैरिटी कंट्रोल कर सकते हैं तीसरा है डी फिल्टर ये भी सर्कुलर और नॉन सर्कुलर दोनों आते हैं ये दो तीनों जो लेंसेज़ हैं ये आपको दरास से अली बाबा से आ, या इसी तरह मुख्त जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से दो हज़ार एक हज़ार दो हज़ार तीन हजार मैक्मम चार हजार के रेंज में मिल जाएंगे ये फिल्टर्स यूज़ करें इन्हीं फ़िल्टर्स के ऊपर आज में अपनी डिमॉन्सट्रेशन है वो भी देने लगा हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ एक सादा सा आ, सस्ता सा एक मोबाइल एल जी जी सिक्स क्योंकि इसमें ओ आई एस और ई आई एस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो मेरी नीड के हिसाब से मेरा ख़्याल है बिल्कुल ठीक है मैं इससे अच्छा भी कर सकता हूँ इससे बेहतर है नोकिया का एट पॉइंट वन जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जो कि जिनका बजट कम है ज़ाहिर बात है जिनका बजट ज़्यादा है वो आ, उनके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो पिग्ज़ल थ्री पिग्ज़ल फोर की है इससे आगे और कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है ना आईफोन है ना सैमसंग है आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर और बेस्ट हार्डवेयर पिग्जल सीरीज में मिलेगा इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा बढ़ते हैं अपनी डिमॉन्सट्रेशन की तरफ वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर मैं आपको समझा सकूँगा चलिए देखते हैं अपनी डिमॉन्सट्रेशन में सबसे पहले मैं आपको ND फिल्टर जो सर्कुलर ND फिल्टर है उसका फ़ायदा दिखाने लगा हूँ ये मेरे पास एक स्काई है जो कि हाईली ओवर एक्सपोज है अब अगर मैं शटर स्पीड या आई एस ओ के ज़रिए अपने मैनुअल सेटिंग में जाके इसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ तो जो ट्रांज़िशन है जो चेंज है वो बहुत सडन फील होता है और एक जम फील होता है इसकी जगह पर अगर हम एंडी फिल्टर जो है उसको सर्कुलर मोशन में मैनुअली मूव करें तो ये ट्रांज़िशन महसूस ही नहीं होती अभी आप देखिएगा अब मैं यहाँ पे एनडी फिल्टर यूज़ करने लगा हूँ और उसको मूव करने लगा हूँ और ये मेरी ट्रांजिशन स्टार्ट हुई ये भी मैंने ज़रा तेज़ की है आपके लिए ताकि आपको महसूस हो सके फ़र्क और अब मैं ऊपर गया अब मैं वापस नीचे की तरफ आते हुए इसकी इंटेंसिटी लो करूँगा और देखिए आपको अब यहाँ पे कोई जंप फील नहीं हुआ एक स्मूथ ट्रांज़िशन है जो कि फील नहीं होती एक तो ये वो पॉइंट था जो आपको दिखाना चाह रहा था मैं इसके बाद अब हम बढ़ेंगे पलैरिटी फ़िल्टर की तरफ पोलैरिटी फ़िल्टर जो है अब वो बेसिकली ज़्यादातर रिफ्लेक्शंस को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ गाड़ी के शीशे के ऊपर मेरे सामने दरवाजे की रिफ्लेक्शन बहुत ऑब्वियस है ये वाइट लाइन बहुत नज़र आ रही है और अंदर से स्टेयरिंग और जो मेरी सीट है वो नज़र नहीं आ रही अब यहाँ पर अब मैं ले आने लगा हूँ पोलैरिटी फ़िल्टर को ये पोलैरिटी फ़िल्टर आया और इसने मेरा स्टेयरिंग जो है और इनर जो हिस्सा है उसको क्लियर कर दिया अब वाटर है गटर के ढक्कन के ऊपर और धूप ने ओवर एक्सपोज़ किया हुआ है प्लेरिटी फ़िल्टर इसको भी बिल्कुल क्लीन कर रहा है फूल ओवर एक्सपोज है वंस अगेन प्लेरिटी फ़िल्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया और सारी रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई अब इसके बाद हम बात करेंगे मूड के ऊपर सामने डिटेल्स ख़त्म हुई हुई है ओवर एक्सपोज्ड है प्लेरिटी फ़िल्टर आया डिटेल्स सारी क्लियर हो गई वंस अगेन और अब हम बात करेंगे मूड के ऊपर पत्तों के कलर को गौर से देखिए अब हमने एक ख़ास जो है कलर ग्रेड जो है वो अचीव किया पत्तों का कलर अचीव किया और यहाँ से हमारा मूड जो है वो बीच में एड इन हो गया पीडियो में ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था उम्मीद है कि आपको जो कुछ मैं बताना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गया होगा और आपको समझ अच्छी तरह आ गया होगा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो आ, आप कोई मज़ीद डेमानस्ट्रेशन देखना चाह रहे हो आप कमेंट्स में भी मुझे पूछ सकते हैं और अगर कोई डिमॉन्सट्रेशन आपको चाहिए हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी तैयार कर लूं इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो वीलागिंग मोबाइल वीलागिंग के हवाले से तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके सुनने का बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर किसी एक अच्छी मालूमती वीडियो या एक बेस्ड वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़